हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शोभी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक बैंक की जॉब के बारे में, जिसका नाम है यूनियन बैंक। तो दोस्तों, यूनियन बैंक की तरफ से यहाँ पे रिसेंटली रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है, जिसके मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और मेंटेन रखना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है, उसके अलावा कितना वैकेंसी है, सब कुछ डिटेल में। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि पूरा वीडियो देखे उसके बाद ही आप लोग जान पाएंगे किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं यूनियन बैंक के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है उसके अंदर। तो दोस्तों, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा बैंक के एप्लीकेशन के लिए, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते। तो ये वीडियो अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो रिसेंटली पोस्ट निकला हुआ है, वैकेंसी निकला है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के फॉर्म निकला है ऑनलाइन फॉर्म, तो जिसके डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI के जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसके एप्लीकेशन शुरू हो गया है 12 मार्च 2019 से और लास्ट डेट इसका है 29 मार्च 2019, जिसके लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा 600 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए, एंड जो लोग SC ST फिजिकली हैंडीकैप हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि 185 पोस्ट निकला हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे फायर ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर एंड फॉरेक्स ऑफिसर के पोस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे है फायर ऑफिसर के वैकेंसी निकला है 1, एज लिमिट इसका दिया हुआ है 30 to 40 ईयर, BE BTEC डिग्री इन फायर इंजीनियर के क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। इसके साथ साथ 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो पोस्ट निकला हुआ है इकोनॉमिस्ट के लिए 6 वैकेंसी है, एज लिमिट जो है 24 to 35 ईयर्स के आपको एज लिमिट चाहिए। उसके बाद मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी 19 वैकेंसी निकला हुआ है, 26 to 40 ईयर्स तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन एन स्ट्रीम, 5 ईयर्स के आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 15 वैकेंसी निकला हुआ है, 23 to 32 तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद MBA, PG, DM डिग्री और CA, MA इन इकोनॉमिक्स, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों, जो पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है क्रेडिट ऑफिसर के लिए 122 वैकेंसी है, 23 to 32 तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद MBA, PG, DM डिग्री और CA क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस इसके लिए कोई भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ फॉरेक्स ऑफिसर के लिए 22 वैकेंसी निकला हुआ है, जिसके लिए 23 to 32 तक आपको एज दिया हुआ है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, MBA, PG, DM डिग्री आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन, उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था यूनियन बैंक के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, जो जो वैकेंसी निकला हुआ है उसका डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, जो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ लिंक को क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन में जाके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।